हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बीएच ट्यूशन क्लासेस। आज लाया हूँ अल्टरनेटिव इंग्लिश बुक से एक पोएम है, वंस अपॉन ए टाइम, और उसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप लोगों का डिमांड था कि सर हम लोगों को ईयर बाय ईयर जो क्वेश्चन आंसर है जो आ चुका है अल्टरनेटिव इंग्लिश का, वो हमें चाहिए। तो आपके ख्वाहिश के लिए हमें लाया हो आज वंस अपॉन ए टाइम पोएम में से इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। आप देख पा रहे हैं कि पहला सवाल जो है तो वो 2015 में आ चुका है। देखिएगा, थोड़ा सा हैंड राइटिंग में तकलीफ हो सकता है आप लोगों को, क्योंकि हैंड राइटिंग जैसा है समझ में आता है, ठीक है। अगर आपको फिर भी थोड़ा सा दिक्कत हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगूंगा, आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने बीएच ट्यूशन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले जाके वो करें प्लीज़। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते यार, वो मुझे बहुत खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता, मतलब मोटिवेट नहीं मिलता मुझे। आप लोग अगर सब्सक्राइब करेंगे तभी जाके मोटिवेशन मिलेगा। आप लोग शेयर नहीं करते हो, मुझे तो पता चलता है यार से कि आप लोग देखते हो लेकिन शेयर नहीं करते हो। शेयर किया कीजिए, नाम पता चल जाता है कि कौन शेयर कर रहा है, ठीक है, कहाँ से शेयर कर रहा है। तो जो भी हो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्त के साथ शेयर करें, और कौन सा वीडियो सही उसके लिए बिल्कुल कमेंट करें, और डिस्क्रिप्शन में जाइए वहाँ पर आपको लिंक बहुत सारा मिल जाएगा। तो सबसे पहला वाला सवाल ऑलरेडी पढ़ लिया होगा आप लोगों ने, ये वाला जो है, फ्रॉम होम डज द स्पीकर वॉन्ट टू अनलर्न ऑल दीज म्यूटिंग थिंग्स। म्यूटिंग थिंग्स मतलब जो बुरे चीज़ है, जो चीज़ बुरे है वो चीज़ वो अनलर्न करना चाहता है, भूल जाना चाहता है, ठीक है। किससे भूलना चाहता है? अपने बेटे से। ये बात सारे बातें किसको बोल रहा था? अपने बेटे को ही तो बोल रहा था, प्रॉमिस सम, तो उसी को बोल रहा था कि मैं सारे चीज़ें भूलना चाहता हूँ, तुम सिखाओ मैं कैसे भूल सकता हूँ। किसको बोल रहा था? इसके सन को, ठीक है। तो उसके बाद क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज रिटन हियर, हाउ डिड द पीपल लव वंस अपॉन अ टाइम, मतलब एक ज़माने में लोग कैसे हंसते थे, लाफ हंसते थे। 2016 में आ चुका है, पहले वाला 2015 में। तो आंसर क्या, अकॉर्डिंग टू द पोएट पीपल लव्ड विद देयर हार्ट, एक ज़माना हुआ करते थे लोग हंसते थे, कैसे, दिल से, हार्ट एकदम मन से हंसते थे, आईस आँखों से हंसते थे। लोगों का आँखें जब हम देखते थे तो ऐसा लगता था हंस रहा है, आँखों से हंसी झलकता था। वंस अपॉन ए टाइम, ठीक है ना। वन मोर मार्क का कितना लगो, इतना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2017 में आ चुका है, लिस्ट एनी टू ऑफ द डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेस दैट द पोएट हैज़ लर्न टू वेयर, दो तरीकों का फेस जो पोएट सीखा है पहनना, दो तरीकों का फेस के बारे में बताओ। बहुत सारा फेस के बारे में बोल चुका है पोएट, सिर्फ दो बताना है। जैसे मैंने लिखा होम फेस, स्ट्रीट फेस। होम फेस मतलब आप घर में कैसे रहते हैं, आपका मैनर कैसा रहता है, आप कैसे बर्ताव करते हैं अपने घर वालों से, वो एक होम फेस हुआ। स्ट्रीट फेस मतलब आप जब रास्ते से जा रहे होते हैं तो लोगों से आप कैसे बर्ताव करते हैं, दैट इज़ अनदर फेस, ओके। सो ये जो है होम फेस, स्ट्रीट फेस आर द फेसेस दैट द पोएट हैज़ लर्न टू वेयर, समझ में आ गया। और भी बहुत सारा है, कॉकटेल फेस है, ऑफिस फेस है, होस्ट फेस है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार नंबर, व्हाट डज द फादर इन वंस अपॉन अ टाइम वांट टू बी। देखिए ये वंस अपॉन अ टाइम पोएम में वो जो फादर है कुछ बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते थे और किससे बनना चाहते थे, क्या बनना चाहते हैं, देखिए। द फादर वॉन्ट्स टू बी व्हाट ही रियली इज, फादर क्या बनना चाहते हैं, वो ओरिजिनली क्या थे, पहले क्या थे, एक समय में वो क्या थे, जब बचपन में वो फादर क्या थे, एक अच्छे इंसान थे, वो बनना चाहते थे, इनोसेंट थे, वो बनना चाहते हैं। हिज अनहैप्पी विद द डबल स्टैंडर्ड, वो अभी क्या है, अनहैप्पी है। ये जो डबल स्टैंडर्ड ज़माना है, आपको बुरा बर्ताव भी करना है, अच्छा बर्ताव भी करना है, हाँ, आपका स्माइल मैकेनिकल होना पड़ेगा, आर्टिफिशियल होना पड़ेगा, ठीक है। ये सीख लिया, बहुत सारे चीज़ें बोलना चाहता है पहले, सबसे पहले तो, और अच्छा बनना चाहता है। सो ही वॉन्ट्स टू, उसके बाद अनलर्न ऑल हिपोक्रिटिक्स बिहेवियर, जो हिपोक्रिटिक बिहेवियर है, जो ढोंगी बिहेवियर है ना, जो ढोंग वाला स्वभाव जो है वो भूल जाना चाहता है, एंड रीलर्न हिज जेन्यून बिहेवियर, और उसका जो जेन्यून बिहेवियर है, जेन्यून स्वभाव जो है, रियल स्वभाव, वो सीखना चाहता है, ठीक है, ओके। तो सब्सक्राइब कर लिया होगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं किया है तो। क्वेश्चन नंबर फाइव, ब्रीफली एक्सप्लेन द लाइन्स, तो ये जो लाइन दिया गया है उसको अच्छे से एक्सप्लेन करो। आई हैव लर्न टू वेयर मेनी फेसेस लाइक ड्रेसेस, 2015 में आ चुका है, ऐसा लाइन आपको दिया रहेगा, इसका मतलब बताओ, एक्सप्लेन करो, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, ऐसे करके एक्सप्लेन करो। तो दीज लाइन्स हैव बीन कोटेड फ्रॉम गैब्रियल ओकारा पोएम, गैब्रियल ओकारा जो एक नाइजेरियन पोएट है, ठीक है, अफ्रीकन, उन्होंने लिखा है वंस अपॉन ए टाइम, और उन्हीं पोएम में से ये लाइन लिया गया है। तो सबसे पहले तो मैंने ये लिखा, उसके बाद इस लाइन के अंडर से क्या बोलना चाहता है पोएट, यहाँ पर लिखा,
हेयर द पोएट डील्स विद द आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन। तो यहाँ पर पोएट बोल रहा है कि कैसे लोग कैसे बर्ताव करता है, कैसे आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल बिहेवियर स्वभाव हो गया है आजकल के लोगों को। हेयर द पोएट टेल्स हिज सन दैट ही हैज़ लॉस्ट हिज आइडेंटिटी। और यहाँ पर बोल रहा है कि कैसे वो अपना आइडेंटिटी खो चुका है, कैसे वो अपने बच्चों को कह रहा है, एक बच्चा है उसको कह रहा है कि कैसे मैं अपना आइडेंटिटी खो चुका हूँ, अपना परिचय खो बैठा हूँ। ही हैज़ लर्न टू स्माइल मैकेनिकली, वो कैसा स्माइल करना सीख गया है मैकेनिकली। हिज फेस हैज़ गॉट न्यूमरस एक्सप्रेशन अकॉर्डिंग टू प्लेस एंड पर्सन। ठीक है, तो हिज फेस हैज़ गॉट न्यूमरस एक्सप्रेशन, उसका जो फेस है उसका फेस वो सीख चुका है कैसे कैसे एक्सप्रेशन देना है, कब कब कैसे कैसे प्लेस बदलेगा, लोग बदलेगा, दूसरे लोगों के सामने कैसे व्यवहार करना है, दूसरे प्लेस में जाके कैसा व्यवहार करना है, ऐसा सीख चुका है। तो इसके बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिफरेंस डू वी सी इन देयर लव बिटवीन देन एंड नाउ। 2015 में आ चुका है कि डिफरेंस क्या है, तब और अब, तब लोग कैसे हंसते थे और अब लोग कैसे हंसते हैं, डिफरेंस बताओ। अकॉर्डिंग टू द पोएट नाउ इट इज़ पीपल लव विद देयर टीथ। देखिए अब लोग कैसे हंसते हैं, अब अपने दांतों को दिखा के लोग हंसते हैं। एंड थोड़ा सा स्पेलिंग सर्च ये हो जाएगा कि सर्च बिहाइंड अदर शेडो। क्या करते लोग अपने क्या करते लोग अपने दांतों से दांत को दिखा के हंसते हैं, मन से नहीं हंसते हैं, दांत को दिखा के हंसते हैं और दूसरे के साए के पीछे भागते हैं, दूसरे के पीछे भागते हैं लोग। ठीक है, पीपल लव आर्टिफिशियली एंड मैकेनिकली, आजकल के लोग आर्टिफिशियली हंसते हैं, डुप्लीकेट हंसी होता है। ठीक है, और रोबोट जैसा हो चुका है। बट इन द पास्ट, लेकिन पहले क्या करते हैं लोग, पीपल वुड लाफ विद देयर हार्ट एंड आइस, लेकिन लोग अभी हंसते हैं, पहले हंसते थे हार्ट से, अपने आँखों से हंसी झलक दर्द रहता था, मन से हंसते थे जो भी करता था। ठीक है, तो नेक्स्ट वाला है देखिए 7 नंबर, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ हिपोक्रेसी ऑफ इन मॉडर्न लाइफ एज डिस्क्राइब बाई गैब्रियल ओकरा। 2016 में आ चुका है। हिपोक्रेसी का मतलब होता है जो ढोंग। ठीक है, जो आजकल के जो लोग हैं, मॉडर्न लाइफ, आजकल के ज़माने में लोग कैसे बर्ताव करते हैं, लोगों का ढंग क्या हो चुका है, उसके बारे में बताने के लिए बोला है कि आजकल क्या चेंज हो चुका है, क्या दिखाई देता है, क्या ढोंग करते हैं लोग। देखिए, इन द पोएम वंस अपॉन ए टाइम द पोएट गैब्रियल ओकरा रेफर्स टू हिपोक्रेसी इन मॉडर्न लाइफ। तो मॉडर्न लाइफ में आजकल के लोगों में हिपोक्रेसी दिखाई देता है, एक ढोंग दिखाई देता है लोगों के अंदर, वो क्या है। इन मॉडर्न वर्ल्ड पीपल लाइव आर्टिफिशियली, लोग कैसे हंसते हैं, आर्टिफिशियली हंसते हैं। ठीक है, जो हंसी होते हैं वो डुप्लीकेट होते हैं, झूठा हंसे होते हैं। द ग्रीट वन अनदर, एक दूसरे को ग्रीट करता है, नमस्कार करते हैं, ठीक है, मुलाकात करने से, जस्ट फॉर शेक ऑफ ग्रीटिंग नॉट हार्टली, लेकिन ऐसे ही कर देते हैं नमस्कार, लेकिन मन से नहीं करते। ठीक है, जो कि आर्टिफिशियल है, तो मन से नहीं करते, ऐसे ही झूठा नमस्कार, कैसे आप, ऐसे ग्रीटिंग करते हैं। ठीक है, 8 नंबर पे देखिए क्या है, व्हाट अकॉर्डिंग टू द ओकरा आर द मेनी थिंग्स दैट हैड लर्न। तो ओकरा के हिसाब से मेनी थिंग्स, क्या क्या सीखा है, व्हाट हैड लर्न, मेनी थिंग्स, बहुत सारे चीज़ों के बारे में बताया कि बॉयज जो है वो सीख चुका है। तो क्या क्या सीख चुका है, 2018 में आ चुका है, क्या क्या सीख चुका है, देखिए यहाँ पर देखिए, अकॉर्डिंग टू द गैब्रियल ओकरा ही हैज़ लर्न टू वेयर मेनी फेसेस, वो बहुत सारा फेसेस पहनना सीखा है, लाइक मॉडर्न मैन हाइड हिज ओरिजिनलिटी। जैसे मॉडर्न मैन, आजकल के लोग कैसे अपना आइडेंटिटी को छिपाते हैं, ऐसे ही अपना ओरिजिनल फेस को छिपाते हैं लोग, अपने ओरिजिनल फेस को दबा के डुप्लीकेट फेस को दिखाते हैं, मन से उसको खराब लग रहा होगा लेकिन वो दिखाते हैं हंसी, ऐसा होता है। एंड ऑल्सो टू कॉप अप विद द डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वही है कि लोगों के साथ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल के साथ जब मुलाकात करते हैं तो झूठा मोटा उसको हंसना पड़ता है, लेकिन मन में दुख होगा लेकिन हंसना पड़ता है झूठा मोटा, तो अपने ओरिजिनलिटी को छिपाते हैं। ही हैज़ लर्न टू मेक होलो ग्रीटिंग्स, वो झूठा मोटा लोगों से ग्रीटिंग्स करता है, हाँ, हालात पूछते हैं। स्टार्टेड बिहेविंग इन द सेम वे पीपल बिहेव विथ हिम, लोग उससे जैसे बिहेव करते हैं, लोगों का बिहेव जैसा होता है, लोगों का स्वभाव जैसे होता है, उसी प्रकार वो भी स्वभाव लोगों के साथ दिखाते हैं। अगर लोग गुस्सा दिखाते हैं वो भी गुस्सा दिखाता है, लोग अगर हंसते हैं उसको भी हंसना पड़ता है, तो सीख चुका है कैसे बिहेव करना है आजकल। ही हैज़ लर्न टू लाफ विथ टीथ, वो सीख चुका है कि दांतों से कैसे हंसना है। इनफैक्ट ही हैज़ लर्न आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मॉडर्न मैन, मॉडर्न मैन का आजकल के ज़माने का जो लोग है वो कैसे हंसता है, कैसे बिहेव करता है, स्वभाव क्या है, वो सीख चुका है। आजकल के क्या स्वभाव है, आर्टिफिशियल एंड मैकेनिकल, एक रोबोट जैसा बिहेव करता है, एक फिक्स्ड पोर्ट्रेट होते हैं ना,
फिक्स्ड इमेज होते हैं वैसा बन चुका है वो। तो लास्ट क्वेश्चन है, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या बताओ यार, प्लीज कर दो सब्सक्राइब। तो लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट फ्राइटेंस द पोएट व्हेन ही सीज हिज स्माइल इन द मिरर। जब पोएट मिरर में अपने आप को देखते हैं, स्माइल करते हैं, तो डर क्यों जाते हैं? ठीक है, डर क्यों जाते हैं? अपने चेहरा को देख के, अपनी स्माइल को देख के डर क्यों जाते हैं पोएट? व्हाट इज़ द पोएटिक डिवाइस यूज हियर, और यहाँ पर क्या पोएटिक डिवाइस यूज़ किया गया है? ठीक है, 2019 में आ चुका है, तो चलिए पढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप, ले लीजिएगा। एज द पोएट बिकम्स मैकेनिकल, जो कि पोएम जब पोएट जब मैकेनिकल बन जाते हैं, एक रोबोट जैसा बन जाते हैं मॉडर्न मैन की तरह, सो ही हैज़ लर्न मैकेनिकल स्माइल, तब वो एक मैकेनिकल स्माइल भी सीख जाता है, कैसे मैकेनिकल रोबोट जैसे स्माइल करना है, फिक्स्ड स्माइल। बट व्हेन ही सीज हिज स्माइल इन द मिरर, जब अपना स्माइल को, हंसी को वो अपने मिरर में आईने पर देखता है, हिज स्माइल फ्राइटेंस हिम, अपने हंसी को देख के खुद डर जाता है। क्यों? बिकॉज हिज टीथ लुक्स लाइक स्नैक्स पॉइजन टूथ, उसका जो दांत है, जब वो हंसता है पोएट, उसका दांत जब वो खुद देखता है ना, तो उसका दांत स्नैक के पॉइजन के तरह दिखाई देता है, स्नैक के दांत जैसा दिखाई देता है, एक सांप के दांत जैसा दिखाई देता है, जो कि बहुत ही पॉइजनस है, नेगेटिविटी को दिखाता है। द पोएटिक डिवाइस यूज्ड हियर सिमिली, तो यहाँ पर सिमिली को दिखा रहा है, कॉम्पेयर किया गया है ना, इसीलिए यहाँ पर पोएटिक डिवाइस क्या है, सिमिली, SIMILE। ठीक है, तो अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब करें, नेक्स्ट वीडियो आपको क्या चाहिए तो बिल्कुल बताइए, मैं बिल्कुल आपके लिए दूंगा। तो थैंक यू सो